हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर टू, एंड ऑफ बाइपोलरिटी। एंड ऑफ बाइपोलरिटी क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस अपनी बुक जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसका चैप्टर है। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, लगभग 30+ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो जो भी छोटे छोटे प्रॉबेबल क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, और कुछ बेसिक्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं वीडियो के साथ साथ, ठीक है। तो पहली चीज़, चैप्टर का नाम क्या है, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, मतलब क्या है। आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, पूरी दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था आपको पता है, 1939 से 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे चला था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो दुनिया दो भागों में बढ़ जाती है। एक तरफ था आपका USSR और दूसरी तरफ था USA। अब पावर जो है पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही जगह पर कंसेंट्रेटेड थी, एक तो USA के हाथ में और एक USSR के हाथ में। ऐसे वर्ल्ड को हम बोलते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। बाई पोलर, बाई का मतलब होता है दो, पोलर मतलब दो पोल पर पावर कंसंट्रेटेड है। एक पोल कौन बन गया, USA, और दूसरा पोल कौन सा बन गया, USSR। अब होता क्या है, 1945 के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा कोल्ड वॉर। क्या स्टार्ट हो जाएगा, कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर कब से कब तक चलता है, 1945 से 1991 तक चलेगा। और जैसे ही 1991 आएगा तो कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगा और USSR कोलैप्स हो जाता है, USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो अब सिर्फ एक ही पावर बची थी पूरी दुनिया में, और उस पावर का नाम है सिर्फ USA। क्या है, USA। तो इसी चीज़ को क्या बोला गया है, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, ठीक है। तो चैप्टर का मतलब समझ गए ना आप, तो फिर चैप्टर में मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। एंड ऑफ बाइपोलरिटी का मतलब क्या है, जब USSR का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसी चीज़ को बोला गया एंड ऑफ बाइपोलरिटी, क्योंकि दुनिया में जो दो पोल थे ना, USSR और USA, उनमें से एक पोल ख़त्म हो गया। अब दुनिया कैसी हो जाएगी, यूनिपोलर। कैसी हो जाएगी, यूनिपोलर। चलो ये तो रही बेसिक्स की बात। और इसीलिए चैप्टर थ्री अगर आप देखोगे तो उसमें नाम क्या है, हेजेमनी ऑफ USA, है ना, इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, USA की हेजेमनी। तो USSR कब बना था, तो आपको पता है रशियन रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में, उसके बाद बनता है आपका USSR। एग्जैक्टली ये आई थिंक 1922 में बना था, ठीक है। तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद बना था। देखो रशियन पहले 1917 से पहले हुआ करता था रशियन एम्पायर, ठीक है। रशियन एम्पायर जार निकोलस रूल करता था, जार निकोलस नाम का एक राजा था, वो रूल करता था। रशियन रेवोल्यूशन भी, उसके बाद वो एम्पायर खत्म हो जाता है, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे बन जाता है USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। अच्छा, डैश सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। क्या चीज़ जो है कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वर्ल्ड को सिंबलाइज करती है, तो वो है फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल जो है ये एक सिंबल था, ठीक है। किस चीज़ का सिंबल था, कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और सोशलिस्ट वर्ल्ड जो है इसका बिल्कुल खत्म हो चुका है ना। बर्लिन वॉल कब बनाई गई थी, 1961 में बनाई गई थी। CIS की फुल फॉर्म क्या है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। बर्लिन वॉल टूटी कब, 9 नवंबर 1989 में टूटी थी। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जब पावर एक जगह पर कंसंट्रेटेड होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड। दुनिया यूनिपोलर कब हो जाती है, 1991 में दुनिया यूनिपोलर हो जाती है, जब पावर सारी की सारी किसके हाथ में आ जाती है, USA के हाथ में। और 1945 से 1991 तक दुनिया कैसी थी आपकी, बाइपोलर थी, ठीक है। ये चीज़ आप बैकग्राउंड में याद रखना। सेकेंड वर्ल्ड से क्या समझते हो, सेकेंड वर्ल्ड से आप क्या समझते हो, ठीक है। देखो सेकंड वर्ल्ड में दे नहीं रखा है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ ना, सेकंड वर्ल्ड का मतलब क्या है। देखो जब कोल्ड वॉर चल रहा था, क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो दुनिया को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैंने बताया था एक तरफ कौन था, USSR, और दूसरी तरफ था USA। USA था कैपिटलिस्ट, क्या था, कैपिटलिस्ट, और USSR था आपका सोशलिस्ट। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज को तो बोला गया फर्स्ट वर्ल्ड, कैपिटलिस्ट कंट्रीज को क्या बोला गया, फर्स्ट वर्ल्ड, और जो सोशलिस्ट कंट्रीज थे उनको बोला गया सेकंड वर्ल्ड, ठीक है। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा सेकंड वर्ल्ड का मतलब क्या है, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा आंसर नहीं है, तो इसको देख लेना। FDI की फुल फॉर्म क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रशिया और इंडिया ने स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कब साइन किया था, 2001 में, 2001 में। पहले प्रेसिडेंट रशिया के कौन चुने गए थे, बोरिस येल्सन। आपको पता है 1991 में USSR तो ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद जो रशिया बना था उसके पहले प्रेसिडेंट किसको चुना गया था, बोरिस येल्सन। हु इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट रिफॉर्म कौन लेके आए थे, मिखाइल गोरबाचेव। रशियन करेंसी का नाम रूबल है। बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, जब पावर दो जगह पर कंसंट्रेटेड होती है तो इसको हम बोलते हैं बाइपोलर वर्ल्ड। बर्लिन वॉल वाज सिंबलाइज्ड द डिवीजन बिटवीन डैश एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, ठीक है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, जब पावर कई सारे कंट्रीज के हाथ में होती है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। आज की डेट में आप कह सकते हो दुनिया कैसी है हमारी, मल्टीपोलर है ना। लेनिन के सक्सेसर कौन बनते हैं, जोसेफ स्टालिन बनते हैं। पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग। ग्लासनोस्ट का मतलब क्या है, ओपननेस।
रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1917 में हुई थी। देखो रेवोल्यूशन के टाइम में रूलर कौन थे इनके? जार निकोलस सेकंड। जार निकोलस सेकंड। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन है? व्लादिमिर लेनिन। बाल्टिक नेशंस कौन कौन से हैं? इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अब देखो लातविया के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो वो कहाँ पे पाया जाता है? लातविया में पाया जाता है, जहाँ पर लगभग लगभग 100 फीमेल पर ओनली 85 मेल हैं। मतलब फीमेल की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, ये वो देश है लातविया। ठीक है, वेरी गुड। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है, चलो ये कमेंट करके आपको बताना है कि सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है वो बताना है, प्लस इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है 2011 के अनुसार, 2011 की सेंसस के अनुसार, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इन तीनों देशों को हम क्या बोलते हैं? बाल्टिक नेशंस बोलते हैं। किसको? लातविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया को। द फॉल ऑफ डेस सिंबलाइज द एंड ऑफ वॉर, कोल्ड वॉर। किस चीज के फॉल को हम मानते हैं कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है? तो वो थी बर्लिन वॉल। अच्छा कमेंट करके बताओ बर्लिन कहाँ की थी वॉल है ना, बर्लिन जो है कहाँ की वॉल है ये ना। वैसे आई होप सब बता दोगे। राइट द नेम ऑफ रीजन्स ऑफ रशिया विच हैड वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट। सेसेशनिस्ट का मतलब होता है जो अलग होने की डिमांड करते हैं। उन रीजन्स के नाम बताने जो डिमांड कर रहे थे रशिया से अलग होने की, तो वो था चेचन्या और डेगस्टन। ठीक है, हु वाज द लीडर ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक या सोशलिस्ट ब्लॉक का लीडर कौन था? यूएसएसआर। और कैपिटलिस्ट ब्लॉक का लीडर कौन था? यूएसए। फिर डेस केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1970, तो कौन एग्जिस्टेंस में आया था? वो आया था सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन 1985? वो थे मिखाइल गोरबाचेव। द सोवियत पॉलिटिकल पार्टी वाज बेस्ड ऑन विच आइडियोलॉजी? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। विच कंट्री इमर्ज एज द डोमिनेंट पावर आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर? तो वो है यूएसए। यूएसए डोमिनेंट पावर के रूप में निकल के आता है। डेस वाज द मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाई यूएसएसआर? यूएसएसआर ने कौन सा मिलिट्री अलायंस स्टार्ट किया था? वो था वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, किसके उसमें विरोध में किया था ये? नाटो के विरोध में। ठीक है, क्योंकि नाटो बना लिया था ना यूएसए ने, तो ऐसे ही उसने यूएसएसआर ने उसका जवाब देने के लिए क्या बनाया था? वॉर्सो पैक्ट बनाया था। डेस पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियंस पॉलिटिकल सिस्टम। कौन सी पार्टी सोवियत यूनियन में डोमिनेट करती थी? वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। डेस इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन यूएसएसआर इन 1985। 1985 में कौन रिफॉर्म लेके आया था? वो था मिखाइल गोरबाचेव। विच कंट्री वाज इन्वेडेड बाई सोवियत यूनियन इन 1979 में कौन से कंट्री पर आक्रमण किया था सोवियत यूनियन ने? तो वो था अफगानिस्तान। विच टू रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड बाई गोरबाचेव? गोरबाचेव ने कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आए थे? एक तो था पेरेस्ट्रोइका, दूसरा था ग्लासनोस। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। सोवियत सिस्टम जो था उसके दो फीचर बताइए। तो पहला फीचर है, एक तो कम्युनिस्ट प्रिंसिपल पर आधारित था ये सोवियत सिस्टम, और फेडरलिज्म पर आधारित था। ठीक है, ये दो फीचर आपको लिख देने। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। साथ के साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।